भले ही कंगाल हो रहे हैं, लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियों का बैंक बैलेंस दिन दुना और रात चौगुना होता नजर आ रहा है। पिछले 7 सालों में देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी के फंड में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, और इसमें भी बड़ी बात यह है कि करीब 88% आमदनी का दानदाता का अता पता कहीं से नहीं चल रहा है। पिछले 7 सालों में आपकी आमदनी जहां भी हो, लेकिन कांग्रेस का बैंक बैलेंस बेतहाशा बढ़ा है। नेशनल वॉच कमीशन और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के मुताबिक 2004 से 2011 के बीच कांग्रेस ने 2008 करोड़, बीजेपी ने 994 करोड़, बीएसपी ने 484 करोड़ और समाजवादी पार्टी ने 278 करोड़ रुपए कमाए। पार्टीज की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें डोनेशन और कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी जगह से उनको मिलती है, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। लेकिन अगर हम ये देखें कि कितने उन्होंने डोनर्स बताए हैं, कितने परसेंट इनकम उनकी ऐसी है जो जिनका नाम उन्होंने दिया है कि यहाँ से आई है, वो बहुत ही कम परसेंटेज है। और तो इससे ये पता नहीं चल रहा है कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास 2000 करोड़ की उसको टोटल इनकम है, लेकिन उसको कहाँ से मिली है ये चीज जो है उसमें क्लियर नहीं हो पा रही है। चौंकाने वाली बात ये है कि कांग्रेस के इस खजाने का 88% रकम दान में देने वाले का कोई अता पता नहीं है। ऐसे ही बीजेपी के 78% दानदाता का रिकॉर्ड नहीं है। दरअसल नियम के मुताबिक 20,000 से कम चंदा देने वाले का नाम दर्ज नहीं किया जाता है, और पार्टियों का कहना है कि ज्यादातर चंदा उन्हें 20,000 रुपए से कम का मिला है। वो है जो वो डिक्लेयर की गई है, जो 20,000 रुपए से ज्यादा चेक के बाद मिला है। पर राजनीतिक दल तो ऐसे भी हैं जिनके पास 450-450 करोड़ की आमदनी हुई है और डोनेशन उनकी जीरो है। तो सिर्फ डोनेशन नहीं है, अगर सिर्फ डोनेशन होती तो बात और कुछ और होती। खुलासे में ये भी बात सामने आई है कि मशहूर औद्योगिक घराने ने सभी पार्टियों को चंदे के रूप में मोटा माल दिया है। इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कोयला खदान, 2G जैसे क्षेत्रों में कारोबार करती हैं। वेदांता की सब्सिडरी कंपनी स्टारलाइट इंडस्ट्री ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बड़े पैमाने पर चंदा दिया है। विदेशों में रजिस्टर्ड कंपनियों ने भी राजनीतिक पार्टियों को दिल खोल कर चंदा दिया है, जो नियमों के खिलाफ है। समय के लिए दिल्ली से प्रेम रंजन।